नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का टॉपिक है गीता जी में मोक्ष मंत्र कौन से हैं। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो गुरुओं के बीच में होने वाली है, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी। तो शुरू करते हैं ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है। हां, वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। फिर इसको, इस पर विचार किया गया कि इस मंत्र को सब लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई अशुद्ध है कोई शुद्ध है, तो इस मंत्र को उल्टा कर दिया गया ताकि जपने का कोई दोष ना लगे, इसलिए इसको उल्टा। फिर उल्टा कैसे जपते हैं लोग? हरे कृष्ण, इसका वेद में शुद्ध उच्चारण ये है। शुरू कहां से होता है ये मंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर इसे उल्टा कर दिया तो ये बन गया हरे कृष्ण। उसमें पहले राम का नाम आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये शुद्ध है। फिर ये वेद मंत्र है। फिर इसे उल्टा किया गया तो ये लौकिक मंत्र हो गया, महामंत्र है ये। फिर इसको जपने का अधिकार सबको मिल गया उल्टा होने से, क्योंकि सीधा जपेंगे तो इसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, शुद्धि का ध्यान इसका, इसलिए फिर इसको कह दिया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुण्य वही मिलेगा, फल वही मिलेगा, पर इसको आप कैसे भी जपो, नहाए नहाए जपो या बिना नहाए जपो। इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। हरे हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीताजी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का, लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे, बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डड़े ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावर्ती के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का तीन मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन ये है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे।
परमम पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम उस दिव परम पुरुष यानी परम अक्षर परम को याति पार्थ अनुचिंतरन उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। आठवें अध्याय का आठवां श्लोक, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन यानी जो जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा तीन नाम का, ओम तत् सत, ओम तो सीधा ही सर्वपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् मिलकर ये दो अक्षर का सतनाम बनता है, वो तत् सांकेतिक है जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है, और सतयु आदि नाम है ये अलग मंत्र है जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं, इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से उससे लगन से दूसरी ओर न जाने वाले मन से यानी किसी और भक्ति में फिर कति ध्यान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म और वो सचिदानंद घन ब्रह्म जिसका तीन मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति प्राप्त उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं। अब आगे देखो आठवें अध्याय का नौवां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे, आठवां तो पढ़ लिया, नौवें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि सबके नियंतता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित उसका शरीर सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। नौमा हो लिया दसवां पढ़ेंगे, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से उसकी शक्ति से बरकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत् तम यौस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? हाय हाय, अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा है गीता ज्ञान दाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नई भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन हारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी महे कबीर हुआ। ही इज गॉड कबीर इन द विवर नेम ऑफ गॉड, वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम।